नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं अपने चैनल के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं अपने चैनल भोजपुरी गंगा को क्रिएट किया था फरवरी 2020 में, और मैं उसी समय डिसाइड कर लिया था कि मैं इस चैनल पर सभी का न्यूज बनाऊँगा। और हमको पसंद भी नहीं है एक तरफा न्यूज बनाना, किसी का चमचागिरी करना। और इस चैनल को 2020 में हमने बनाया था। जब मैंने शुरुआत किया था तो उस समय मुझे बोलने भी नहीं आता था, और जब मैं अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा था तो उस समय मुझे डर लग रहा था कि मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, अंदर से डर था। लेकिन वो सब डर कुछ महीनों में ही खत्म हो गया। अब मैं एक दिन में 20-25 वीडियो बना देता हूँ आँख बंद करके। एक और मेरा चैनल है रॉकेट भोजपुरी, उस पर भी न्यूज आता रहता है, और मैं इस चैनल पर वॉइस ओवर वीडियो बनाता हूँ, वो भी बिना माइक के रिकॉर्ड करता हूँ। अगर इस चैनल पे मैं फेस वाला वीडियो बनाता, लाइव वीडियो डालता, तो मेरा चैनल और ज़्यादा रिकमेंडेड होता। बट मेरे वॉइस ओवर वीडियो को ही आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आप सभी को दिल से धन्यवाद। और आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रहा है कि मेरे चैनल भोजपुरी गंगा का सब्सक्राइबर 3 लाख कम्प्लीट हो चुका है। और ऐसे ही मेरे चैनल पर आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। और आज मेरा 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, और आप सभी को दिल से धन्यवाद। हाँ, एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस चैनल को अगर मैंने 2018 में क्रिएट किया होता तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया होता, क्योंकि उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल ही अलग था। और कैसे क्या न्यूज़ बनाना है, कब कौन सा न्यूज़ बनाना है, मुझे सीखने में 1 साल लग गया। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।